वेलकम टू मूवीवर। मूवी की शुरुआत एक सिटी को दिखाते हुए होती है। उसी सिटी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अलाइजा। अलाइजा बोल नहीं सकती क्योंकि उसे बचपन में किसी ने बहुत टॉर्चर किया होता है। अलाइजा इस दुनिया में अकेली है क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है। अलाइजा के पड़ोस में जायल्स नाम का एक आदमी रहता है जो अलाइजा को अपने परिवार की तरह ट्रीट करता है। अलाइजा एक लैब में अपनी फ्रेंड के साथ काम करती है। ये दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के काफी क्लोज है जबकि दूसरे लोग अलाइजा को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक दिन जब अलाइजा और उसकी दोस्त लैब साफ कर रहे होते हैं तभी वहां एक ऑफिसर आता है और उनसे कहता है कि आज लैब में एक टीम आ रही है और अपने साथ वे एक अनोखी और महंगी चीज ला रही है। थोड़ी ही देर बाद वो टीम एक बड़े से वाटर टैंक के साथ वहां आ जाती है जिसमें वे चीज होती है। जब अलाइजा उसके पास जाती है तो वे मूव करने लगती है। अलाइजा और उसकी दोस्त इसके बारे में कुछ समझ नहीं पाती। अगले दिन हम देखते हैं कि उस ओर से जहां वे चीज रखी होती है एक आदमी जो कर्नल होता है घायल अवस्था में इनकी ओर आ रहा होता है जिसका हाथ खून से सना होता है। अलाइजा और उसकी दोस्त को वो रूम साफ करने का ऑर्डर दिया जाता है जहां वे उस कर्नल की दो कटी हुई उंगलियां देखती है जिसे वे एक पॉकेट में रख देती है। रूम से अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती है। तभी अलाइजा की फ्रेंड किसी को बुलाने चली जाती है। अलाइजा उस वाटर के बॉक्स के पास जाती है तो देखती है कि उसमें इंसानों की तरह एक क्रिएचर होता है। तभी वहां एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर वह क्रिएचर पानी में चला जाता है। अब अलाइजा को पता चल जाता है कि उस लैब में क्या चीज है। अगले दिन अलाइजा लंच के टाइम वहां जाती है जहां उस क्रिएचर को रखा होता है। अलाइजा उस पुल की दीवार पर बैठ जाती है और अपने साथ लाए अंडे पर चम्मच से मारकर आवाज करती है जिसे सुनकर वह क्रिएचर बाहर आ जाता है। अलाइजा वह अंडा उस क्रिएचर को दे देती है जिसे लेकर वह क्रिएचर पानी में कूद जाता है। फिर अलाइजा भी वहां से बाहर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह कर्नल जिसकी उंगलियां कटी थी अलाइजा और उसकी फ्रेंड को बुलाता है और उनसे कहता है कि उनकी ड्यूटी बस उस लैब को साफ करने की है। इसके बाद उन्हें वहां नहीं रुकना चाहिए लेकिन अलाइजा उस कर्नल की बात नहीं मानती और अगले दिन लंच में फिर से उसी पुल के पास जाती है। इस बार वह अपने साथ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी ले जाती है और दीवार पर बैठकर उसे बजाती है जिसे सुनकर वह क्रिएचर बाहर आ जाता है और अलाइजा उसे अंडा देती है। यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है और अब अलाइजा और वह क्रिएचर दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से इशारों में बातें भी करने लग जाते हैं। अलाइजा इसकी दोस्ती से काफी खुश होती है। अलाइजा को एक दिन एक डॉक्टर उस क्रिएचर से बात करते हुए देख लेता है जो उस क्रिएचर पर अपनी रिसर्च कर रहा था। उसे लगता है कि उस क्रिएचर और अलाइजा के बीच में किसी तरह का रिलेशन बन गया है मगर वे अलाइजा को यह एहसास नहीं होने देता कि उसने उन्हें देख लिया है। यह डॉक्टर एक साइंटिस्ट था जो अमेरिका में इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा था और अंदर ही अंदर यह जर्मन का एक एजेंट भी था क्योंकि दोनों देशों के बीच उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था इसलिए दोनों कंट्री एक दूसरे पर नजर रख रहे होते हैं। यह डॉक्टर उस क्रिएचर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जर्मन को देता था। अगले दिन अलाइजा फिर से उस क्रिएचर से मिलने जाती है तो देखती है कि उस क्रिएचर को काफी बेदर्दी से बांध रखा होता है। ये देखकर उसे उस पे तरस आ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वहां पर कोई आ रहा है इसलिए वह जल्दी से छिप जाती है। कर्नल वहां आता है जो उस क्रिएचर को एक आयरन की रोड से मारता है जिसमें करंट होता है। इसके बाद वहां जर्नल आता है जो कहता है कि मैंने तो एक छोटा सा क्रिएचर एक्सेप्ट किया था लेकिन ये तो काफी बड़ा है। कर्नल जर्नल से कहता है कि अमेज़न के लोग तो इसे अपना भगवान मानते हैं और इसके लिए कई खाने की चीजें पानी में फेंकते हैं। कर्नल कहता है कि हमें इसके बारे में जानना है तो इसे मारना होगा। तभी डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत बहुत खराब है और ये दो जगहों से सांस लेता है। हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए ना कि इसे मारना चाहिए लेकिन जर्नल डॉक्टर की कोई बात नहीं सुनता। डॉक्टर कहता है कि हमें इसे पानी में छोड़ देना चाहिए नहीं तो ये मर जाएगा क्योंकि ये बेहोश हो चुका होता है। वे उसे पानी में डाल देते हैं। डॉक्टर जर्नल से कहता है कि आप इसे नहीं मार सकते पर जर्नल कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए मेरे पास सारी अथॉरिटी है। और वह कहता है कि इसे चीर कर आखिर उसे देखना है कि इसमें ऐसा है क्या। वह डॉक्टर उसे नहीं मानना चाहता था इसलिए उसे जर्नल की ये बात काफी बुरी लगती है। हालांकि वह एक जासूस है लेकिन इसके साथ साथ वह एक इंसान भी होता है। अलाइजा भी ये सब देख और सुन रही होती है जिसका उसे बहुत बुरा लगता है और वह घर पर जाकर ये सारी बात अपने पड़ोसी जायल्स को बताती है और उसे कहती है कि क्रिएचर बिल्कुल उसी की तरह बेजुबान है और वह उसकी मदद करना चाहती है। जायल्स कहता है कि मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हम उसे नहीं बचा सकते क्योंकि वह लोग काफी पावरफुल है और हम आम लोग है और उनके आगे कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। अलाइजा इससे काफी दुखी होती है।
कुछ देर बाद जाइल्स वापस आता है और उसे बचाने के लिए एग्री हो जाता है। अलाइजा को इस बात से काफ़ी खुशी मिलती है और वह प्लान बनाते हैं कि वे इस क्रिएचर को कैसे बचाएंगे। अलाइजा सबसे पहले वहां पर जाकर सीसीटीवी कैमरों को ऊपर की ओर कर देती है ताकि उन्हें उस क्रिएचर को बाहर निकालते हुए कोई देख नहीं सके। अलाइजा क्रिएचर के पास आ जाती है जहाँ वे देखती है कि क्रिएचर कई बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधा है, इसलिए वे उसे खोल नहीं पाती। तभी वहां पर वे डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर भी उस क्रिएचर को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वे लॉक्स की चाबी अलाइजा को दे देता है। अलाइजा उस क्रिएचर के सारे लॉक खोल देती है और टावल के कोड में छिपाकर टनल के रास्ते बाहर निकल जाती है। अलाइजा की दोस्त को पता चल जाता है कि वे क्या कर रही है, इसलिए वे अलाइजा को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जब अलाइजा उसे समझाती है कि अगर वे उन क्रिएचर को वहां से लेकर नहीं गए तो वे लोग इसे मार देंगे, तो अलाइजा की फ्रेंड मान जाती है और उसकी हेल्प करती है। उधर जाइल्स भी अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड को लगता है कि वे फेक है। तभी वे डॉक्टर वहां आ जाता है और उसकी मदद करता है। वह गार्ड को बेहोश कर देता है। ये लोग उस क्रिएचर को वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं, पर यहां कर्नल को शक हो जाता है कि गेट पर जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जब तक वे लोग गेट पर आते, ये वहां से निकल जाते हैं। अलाइजा इस क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और अपने बाथरूम के टब में रख देती है क्योंकि वह पानी में ही जिंदा रह सकता था। अलाइजा उसे वहां से बचाकर काफी खुश होती है और डिसाइड करती है कि आने वाली 10 तारीख को वो उसे नदी में छोड़ देगी जहां से वे क्रिएचर समुद्र में चला जाएगा। अगले दिन अलाइजा काम पर जाती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि उसने क्रिएचर को भगाया है। अलाइजा के घर में जाइल्स उस क्रिएचर का ख्याल रखता है लेकिन किसी कारण जाइल्स की आंख लग जाती है और तभी वे क्रिएचर बाथटब से बाहर निकल जाता है और वहां पर जाइल्स की बिल्ली को मारकर खा रहा होता है। तभी जाइल्स उड़ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है लेकिन वह क्रिएचर जाइल्स के हाथ को जख्मी कर देता है और वहां से भाग जाता है। जब अलाइजा घर पर आती है और क्रिएचर को नहीं देखती है तो वह इसके बारे में जाइल्स से पूछती है। जाइल्स कहता है कि वह क्रिएचर बहुत डर गया था, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, जाओ और उस क्रिएचर को वापस लेकर आ जाओ। अलाइजा घर के बाहर जाती है और कहीं से ढूंढकर उस क्रिएचर को वापस अपने घर ले आती है। जहां घर आने के बाद क्रिएचर काफी शर्मिंदा होता है और वह जाइल्स के सर पर हाथ रखता है और जाइल्स को भी उसके सिर पर हाथ रखने की कहता है। अगले दिन जाइल्स देखता है कि उसकी सारी चोटें ठीक हो गई है और वे इस बात से काफी खुश हो जाता है कि उसके सिर पर अब नए बाल भी उगाए हैं। वक्त के साथ साथ अलाइजा और उस क्रिएचर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि जर्नल लैब में कर्नल को वॉर्न कर रहा होता है, अगर उसने उस क्रिएचर को नहीं ढूंढा तो उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुनकर कर्नल काफी परेशान हो जाता है। कर्नल को उस डॉक्टर पर शक होता है क्योंकि वह जानता था कि वह डॉक्टर उस क्रिएचर को नहीं मारना चाहता था। वह डॉक्टर के घर पर जाता है। तभी वह देखता है कि कर्नल दो लोगों के साथ बातें कर रहा है जहां उन दो लोगों ने तुरंत डॉक्टर पर गोली चला दी है। कर्नल उन दो लोगों को मार देता है और डॉक्टर से उस क्रिएचर के बारे में पूछता है, पर डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता। काफी टॉर्चर करने के बाद डॉक्टर कर्नल को यह बताता है कि जो लोग क्रिएचर को वहां से ले गए हैं वे लोग क्लीनर है। क्लीनर का नाम सुनते ही कर्नल को अलाइजा की दोस्त पर शक होता है। कर्नल यहां से सीधा उसी के घर जाता है और उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछता है, पर वे कर्नल को कुछ नहीं बताती। पर वहां पर उसका हस्बैंड बेटा होता है जो कर्नल को सब बता देता है कि क्रिएचर अलाइजा के घर पर है। उसने अपनी पत्नी को अलाइजा से फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। इसके बाद कर्नल अलाइजा के घर की ओर निकल जाता है लेकिन अलाइजा की दोस्त उसे फोन करके बता देती है कि कर्नल उसके घर आ रहा है। आज 10 तारीख होती है और वही दिन होता है जिस दिन अलाइजा को उस क्रिएचर को नदी में छोड़ना होता है। इससे पहले कि कर्नल अलाइजा के घर पर पहुंचता, वे उस क्रिएचर को वहां से लेकर निकल जाती है। कर्नल जब अलाइजा के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर तो कोई नहीं है। वहीं कर्नल की नजर वहां पर टंगे कैलेंडर पर पड़ती है जहां ये नोट होता है कि आज के दिन वे लोग क्रिएचर को रिवर में छोड़ेंगे। अलाइजा अपनी मंजिल यानी नदी की ओर पहुंच चुकी होती है और उस क्रिएचर को आखिरी गुड बाय करती है। इस बात से वे दोनों दुखी होते हैं क्योंकि उन दोनों को पता था कि वे अब वापस नहीं मिलने वाले। तभी कर्नल वहां पहुंच जाता है और उन दोनों पर फायरिंग कर देता है जिससे वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। इससे पहले कि कर्नल उन पर दोबारा शूट करता, वे क्रिएचर कर्नल के पास आ जाता है। तभी क्रिएचर कर्नल को मार देता है। वे अलाइजा को गोद में उठाकर नदी की गहराई में ले जाता है जहां अलाइजा के गले पर बचपन की चोट के निशान होते हैं। वे वहां पर हाथ लगाता है जो अब गिल्स बन जाते हैं जिससे अलाइजा पानी में भी सांस ले सकती है। अब अलाइजा वापस जिंदा हो जाती है क्योंकि उसे भी गोली लगी थी। असल में इस क्रिएचर के पास बहुत सी पावर्स होती है जिससे अलाइजा वापस जिंदा हो जाती है। वे उस क्रिएचर के गले लग जाती है और इस तरह उन दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ मिल जाता है, जिसे देखकर जाइल्स भी काफी खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।